ट्रेडर्स वेलकम टू फिनोलिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स जो हम कल के लिए ट्रेड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स को। मैंने कल आपको क्या बताया था कि निफ्टी एक वन साइडेड मूव दे चुका है, राइट। अगर आप देखो, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक हमें वन साइडेड मूव हमें यहाँ से मिला है, राइट। असल में कि वन साइडेड मूव मिला है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक गुंजाइश है कि यहाँ पे एक हमें थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ी मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि अब अबाउट हमारा जो ये अर्निंग पीरियड था अबाउट समाप्त होने के कगार पे, मतलब अप्रैल के से स्टार्ट होती है, मतलब आप बोलो तो मार्च लास्ट वीक से लेकर के ये हमारी चलती है फरवरी सेकेंड वीक तक, राइट। अब जो जो अच्छे कंपनी थे उनके रिजल्ट आ गए हैं, अब थोड़ी इस पे जो इसकी अर्निंग्स पे मार्केट पे थोड़ी कम असर पड़ेगी। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मैंने वही बोला था कि आपको यहाँ थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी, वही चीज आज हुआ। मार्केट कल अच्छे अच्छे अच्छा क्लोज हुआ था, ठीक है। मार्केट की कल की जो क्लोजिंग थी बहुत तगड़ी क्लोजिंग थी और मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दिया था। आप सोचो कि लगभग डे हाई के आसपास क्लोजिंग दिया था। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब तक मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज ना आए, राइट, जब तक मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आए और मार्केट गैप डाउन खुल जाए, तो वहाँ पे आपको यही करना होता है कि आपको वहाँ पे नीचे के लेवल्स पे यहाँ पे बाय करना होता है। अगर आप याद करो, मैंने बताया था कि हमें ये ब्रेकआउट वाला लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट देखने को मिलता है, राइट, मैंने यही बोला था कल के सेशन में भी कि अगर देखो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास में देखने को मिलता है तो बिंदास आग बंद करके बाय करना है। मार्केट खुलते इस लेवल पे आया, खुलते यहाँ पे बाइंग आई। अब आप देखो लगभग यहाँ से 150 पॉइंट नीचे मार्केट खुला था, तो यार बिना कोई न्यूज के मार्केट अगर 150 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो मतलब लोग वहाँ पे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस करी है उनका एक अल्गो ट्रेडिंग में ऑर्डर लगा होगा, राइट, वो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर गया। अप्रोक्स मार्केट जब कल के क्लोजिंग के आसपास आया तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिली मार्केट में, राइट। कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, देखो यहाँ पे जो कल रेजिस्टेंस फेस करा था यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद मार्केट लगभग यहाँ पे आके एक जोन बनाए। उसके बाद अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक मिनट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि थोड़ी सी ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी ये सपोर्ट लेते दिख रहा था इस जोन पे, राइट, इस जोन पे सपोर्ट लेते दिख रहा था यहाँ पर बार बार। और यहाँ से मार्केट ने जैसे इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करा, मार्केट में तेजी से सेलिंग आई। ओके, तो ये हमारा था ओवरऑल मार्केट में क्या हमारा करना था हमें, राइट, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि ठीक है अगर गैप डाउन खुले, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो अगर इसके नीचे क्लोज करे तो फिर हमें बाय सेल करनी थी, तो इसके नीचे हमें क्लोजिंग भी मिली, क्लोजिंग मिली। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो हमारा टारगेट के अप्रोक्स मिल चुका था और यहाँ पे फिर ये मॉर्निंग स्टार बना करके मार्केट यहाँ से रिवर्सल में देखने को मिली और मार्केट फिर फाइनल होते होते क्लोजिंग में डेलो के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, जो कि हमारा 18,050 के लेवल पे है। अब देखो हमारे पास क्या है, राइट, देखो कल के लिए हमें दो लेवल्स हैं हमारे पास मार्केट में, 18,117 का, 18,178 का लेवल है। सपोज कल मार्केट क्या खुलता है, गैप फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है और मार्केट क्या हमें इस लेवल के आसपास अगर दिखता है 18,045 के आसपास, फ्लैट बोले तो 20 से 30 पॉइंट पॉजिटिव यहाँ के आसपास दिखता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी 20 पॉइंट का रिस्क लेकर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कब करेंगे, जब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल या हैमर टाइप का कुछ बनेगा तो बाय करेंगे, जैसे यहाँ पे ये हैमर बनाए, राइट, या फिर कल मार्केट फ्लैट खुले और घूमते फिरते मार्केट इस लेवल के आसपास आए तो यहाँ पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट में दिखेगी। और जो हमें फ्रेश बाइंग करनी है, फ्रेश खरीदारी की जो हमारी लेवल है ये होगी 17,960 वाली लेवल, ये हमारा एक अच्छा फ्रेश बाइंग लेवल होगा और हमारा टारगेट होगा फिर इसके बाद 18,045 का होगा, राइट। ये तो हो गया हमारे निफ्टी का लेवल। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। ओके, लेट्स सी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक की बात करते हैं। यार निफ्टी बैंक में देखो एग्जैक्टली मैंने जो आपको बताया था इसमें तो एग्जैक्टली जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा और मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स कर गया। मार्केट मैंने क्या बोला था, अगर 43,000 के लेवल या 43,300 के आसपास हमें दिखता है तो हमें बाय करना है। मार्केट गैप डाउन खुला, 43,000 के लेवल पे आसपास आया, बाइंग हुई और देखो फर्स्ट कैंडल में ही आपको लगभग 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का आपको यहाँ पे मिल गया प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को 43,500-600 का लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करा जो क्लोजिंग था इसका और वहाँ से मार्केट फिर एक वन साइडेड डाउनफॉल आई है मार्केट में। थोड़ी यहाँ पे करेक्शन दिखी लेकिन ये ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट लगभग 42,000 कितने पे बंद हुआ है देखो, अब तो 42,700 के आसपास मार्केट में बंद हुआ है। आप थोड़ी सी वीडियो अगर आप देखो, वीडियो थोड़ा सा पीछे जा करके देखो, मैंने जो कल बोला था क्या बोला था कि मार्केट में करेक्शन हमें दिख रहा है, ये नीचे के साइड में मोस्ट प्रोबेबली नीचे के साइड में दिख रहा था क्योंकि वन साइडेड मूव था और यहाँ पे हमें अगले पिछले दिन हमें क्या मिला, यहाँ पे एक्सपायरी के दिन हमें दिया एक ट्रेंडिंग अपसाइड मूव, लोगों को लगा कि चलो भाई डे हाई पे क्लोज हुआ है मार्केट और बहुत सारे लोग जो लेके गए थे
उन्होंने मार्केट में, लेकिन उनको एग्जिट करने का मौका मिल गया यहाँ पे, एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक वन साइडेड सेलिंग आई मार्केट में, राइट। तो ये तो हमारा हो गया। अब मैं इसके लेवल्स बता देता हूँ यार, देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर कल मार्केट यहाँ से फ्लैट खुले, फ्लैट खुलते ही यहाँ के आसपास अगर 43,000 के आसपास दिखता तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर दिखेगा और यहाँ पे सेल करके चलेंगे, राइट। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो हमारे पास जो बाइंग का लेवल है नीचे, हमारे पास जो बाइंग का लेवल है अगर देखो यार, तो बाइंग का लेवल हमारे पास ये वाला लेवल है 42,300 का लेवल, ये हमारे पास बाइंग का लेवल है। और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है जो हमारा 41,820 है। इसके अलावा हम छोटी छोटी लेवल से वो बता दे रहा हूँ मैं, एक 42,000 का भी लेवल है। तो ये सब लेवल्स, ये लेवल्स आप नोट कर लो, ये हमारे बाइंग के लेवल से नीचे में। तो मैं ऊपर की, अगर यहाँ से फ्लैट खुल के यहाँ पे ऊपर की ओर जाता है और यहाँ के बाद मैं सेलिंग की ओर ज्यादा फोकस करूंगा रेडर की बाइंग की ओर, कारण है कि मुझे यहाँ पे ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ से एक और सेल का मैं उम्मीद लगा रहा हूँ और हमारा टारगेट यही वाला होगा, राइट। और अगर नीचे में यहाँ पे 5 मिनट का कोई कैंडल फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे नीचे क्लोज करता है 42,600 के नीचे, तो फिर हम सेल करके चलेंगे, हमारा टारगेट होगा 42,300 का, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक है, धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर मुझे ट्रेड करनी होती है, देखो धन का ट्रेडिंग भी कोई टर्मिनल है, यहाँ पे इसे मैं बाय और सेल का ऑर्डर लगा सकता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर फ्यूचर होता है बाय और सेल, यहाँ पे मैं सारे इंडेक्सेस को एक बार देख सकता हूँ, लाइक मुझे निफ्टी 50 में क्या चल रहा है अगर मुझे ये देखनी है, राइट। निफ्टी 50 में क्या चल रहा है तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ज्यादा रेड में देखो आप, ठीक है, आप देखो क्यों ज्यादा आपको कहाँ दिख रहे हैं, ज्यादा आपको रेड में दिख रहे हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट आप समझ जाओ क्या हो सकता है। वही मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी देख सकता हूँ, बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस क्या हो रहे हैं, ये देखो ये पूरे बैंक निफ्टी के बैंकिंग के स्टॉक्स हैं। आप यहाँ पे शेयर प्राइस को लिस्ट कर लो, ओके, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब आपको आ गए। और आप देखो HDFC बैंक का 5-6% डाउन गया है, तो आप देख सकते हो कितनी मार्केट में फॉल आई है। और मैंने कल आपको दिया था स्टॉक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको क्या बताया था आप देखो, ओके लेट्स सी, मैंने क्या बोला था, अगर 580 के ऊपर हमें दिखता है तो हम बाय करके चलेंगे, वही चीज है, 581 के ऊपर गया, बाय करना था। उसके बाद हमारा जो टारगेट था 586 तक का, वो हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा ऊपर के साइड के टारगेट हमें सक्सेसफुली अचीव हो गए थे, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ एक और इंट्राडे स्टॉक्स देख लो आप, ICICI बैंक, ओके यार ICICI बैंक अगर आप चार्ट देखो, इसको ना 15 मिनट के देख लो, ओके ICICI बैंक अगर ये 920 के नीचे जाता है ना, तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग की प्रेशर देखने को मिलेगी। तो कल हम वेट करेंगे, अगर ICICI बैंक हमें 920 के नीचे क्लोज करेगा 5 मिनट का कैंडल, तो हम सेल करके चलेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा इसमें कितना होगा 916, दूसरा 912 का होगा, और पर हमारा स्टॉप लॉस 924 का होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स। मान लीजिए सिगरेट